करके किए जाते हैं। बहाना कुछ भी तलाश किया जाता है, कभी गौ रक्षा का बहाना होता है, कभी चोरी का बहाना होता है, कोई भी बहाना तलाश करके लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, बेदर्दी के साथ में उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसको वायरल किया जाता है, इसलिए कि इनको ये अंदाजा है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह गुजरात में बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रिहा कर दिया गया, ये समझते हैं कि हमारे साथ भी एक छोटा सा मुकदमा बनेगा, चंद दिन जेल में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे। और यही ये डर, कानून का डर खत्म हो रहा है, लॉलेसनेस पैदा हो रही है देश के अंदर में। और हम समझते हैं कि आज अगर किसी एक समुदाय का नंबर है तो कल दूसरे का नंबर होगा, परसों तीसरे का नंबर होगा। ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, फेक तरीके से सत्ता में आए हैं। और आप जानते हैं कि ये जो बता रहे हैं कि हमको पूरे देश ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया, हम जानते हैं किस तरह का मैंडेट दिया है। तो ये लोग जो जाली तरीके से सत्ता में आए हैं, देश के अंदर दंगा पैदा करना चाहते हैं, देश के अंदर विभाजन करना चाहते हैं, देश के अंदर लोगों को अलग अलग समुदाय के दरमियान बांटकर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। आइए हम सब लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि इस लड़ाई को हम मिलजुल कर लड़ेंगे और देश के अंदर ये जो विभाजन की कोशिश हो रही है इसको जो है इसको नकार देंगे और हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। ऐलान हुआ है, सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो। दोस्तों, आपको ये तय करना होगा कि लड़ाई क्या है। अभी तक इतने सालों में, 70 साल में हम लड़ाई को समझ नहीं पाए। लड़ाई जालिम से है और मजलूम की है, अत्याचारी से है तो जिसके ऊपर अत्याचार है उससे है। अभी यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, क्या केजरीवाल साहब ने बटला हाउस की जांच करवा दी? बोलिए, क्या कांग्रेस ने बटला हाउस की जांच करवा दी? अखलाक की अखिलेश ने करवा दी? तो आप तय कीजिए कि हमें सिर्फ मोदी से नहीं लड़ना है, मोदी एंड कंपनी से लड़ना है। मोदी एंड कंपनी मुर्दाबाद, मोदी एंड कंपनी मुर्दाबाद। मायावती का जमाना था, सनाथ में हमने लड़ाई गई, 12 तक हुकूमत रही। जिन लोगों ने बटला हाउस का नाम लिया, अब्दुल अहमद डंपलो इलियास आदमी का टिकट काट दिया गया। इस शेर पे अपनी बात खत्म करूंगा कि हर एक जख्म पे इलाज का नहीं होना मिला, सबसे लड़नी होगी। हर एक जख्म पे उसका इनाम मिलता है, हर एक जख्म पे उसका इनाम मिलता है। वो एक शख्स जो मिलता है मोहसिनों की तरह, वो एक शख्स जो मिलता है मोहसिनों की तरह। एक मिनट पहले देखें, ये आखिरी बात अपनी कह के बात खत्म कर रहा हूँ, वक्त बहुत कम है। न हम सफर न किसी हम नशे से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा हमी से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।